नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष कार्य बाबा की पुत्र बधु सुषमा सिसोदिया ने सभासदों के साथ शपथ ग्रहण कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की। सबसे पहले चेयरमैन सुषमा सिसोदिया को एसडीएम वैभव गुप्ता ने शपथ ग्रहण कराई। उसके बाद चौहुआ नगर पंचायत के 10 वार्ड सभासदों को उनके पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने के बाद चेयरमैन सुषमा सिसोदिया ने कहा कि वह अकेली चेयरमैन नहीं बनी है, इस बार चौहुआ नगर पंचायत की पूरी जनता चेयरमैन है। जब जनता चेयरमैन बन गई है तो विकास स्वाभाविक रूप से होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन द्वारा छोड़े गए सभी विकास कार्य अब तेजी के साथ होंगे। उन्हें इस बार पूर्व चेयरमैन बिहारी राम पहलवान का भी साथ मिला है और उनके 10 वर्ष के अनुभवों से सीख लेकर चौमुआ का चहुमुखी विकास कराएंगी। वहीं कार्य बाबा ने जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि इस बार चौमुआ की जनता के भरपूर प्यार और आशीर्वाद से आज उनकी पुत्र बधु चेयरमैन बनी है। वह इसके लिए जनता के सदैव ऋणी रहेंगे। पूर्व चेयरमैन बिहारी राम का साथ और सहयोग मिलने पर चौमुआ में डबल इंजन की सरकार का गठन हुआ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि डबल इंजन की सरकार पूरे दम से चौमुआ का विकास करेगी। उन्होंने क्षेत्र के उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिनकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। शपथ ग्रहण समारोह में चौमुआ नगर पंचायत की जनता के अलावा जनपद मथुरा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्ति और ग्राम पंचायतों के पूर्व व वर्तमान प्रधान भारी संख्या में मौजूद रहे। समारोह में उपस्थित प्रधान और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर सुझाव दिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का कार्य बाबा एवं उनके परिवार ने पगड़ी पटुका और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं नव निर्वाचित चेयरमैन के स्वागत के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लीले बाबा ने की एवं संचालन यशवीर सिंह राघव के साथ यदुवीर सिंह सिसोदिया ने संयुक्त रूप से किया। शपथ ग्रहण समारोह में ईओ जितेंद्र कुमार, मूलचंद सिसोदिया प्रधान, लोकेंद्र उर्फ गुड्डू प्रधान, भरतो प्रधान, पूर्व प्रधान राजेश पहलवान, पूर्व प्रधान राजपाल सिंह, प्रधान तुलाराम, भगवान सिंह प्रेसिडेंट, कालू पहलवान, शिवराम, द्वारिका यादव, पूर्व चेयरमैन वंदना, गिरिराज सिंह सिसोदिया आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस नगर पंचायत चौमुआ की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर मैं इस नगर पंचायत चौमुआ की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी, और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। परिणाम आने के बाद और निश्चित ही एक शपथ तो चुनने के बाद होती है, लेकिन वो शपथ एक ऑथेंटिक होती है, समाज सेवा की प्रतिज्ञा की जाती है। हम संविधान के अनुरूप विकास का कार्य करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। साथियों, मंच को संबोधित करने से पहले मैं एक लाइन फिर कह देता हूँ। बाबा साहब तो ये शपथ 200 साल पहले ले चुके थे। दिन रात सुबह शाम कब बाबा को कौन ले जाए, बाबा कहां चले जाए, हर गरीब अमीर की विपत्ति में हर समय साथ देते रहे और निश्चित ही इसी का परिणाम है। आज जनता ने पूरे चौमुआ नगर में उनको इस राजतिलक के लिए चुना और ये ऐतिहासिक जीत के बाद ये उत्सव करने का मौका हम सबको मिला। कार्य बाबा तो बस पहले बाबा था, वो आदमी बाबा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहता है। हमारे छोटे भाई जयराम जी कह रहे थे कि अगले काम को बाबा पूरा करेंगे, मगर जयराम ने तो विदाई लेने से पहले मेरे 30 साल का पूरा काम कर दिया। सरदारों, ये सब आपकी मेहरबानी है। मेरी जीत ये जनता की और बच्चों की और सभी लोगों के आसपास गांवों की भावना की जीत हुई है। मेरी जीत नहीं हुई है, सबकी भावना की जीत हुई है। अपने आप में कोई भी आदमी ये न सोचे कि मैंने बाबा को वोट नहीं दिया, और कोई ये दबाव न बनाया कि मैंने कार्य बाबा को वोट दिया। मेरे लिए जो दिया है उसे उसको, जो ना दिया उसको, मेरे लिए सब समान है। कोई हिचक न करे, बाबा के पास दरवाजा।
ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਚੋਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੋਪੜੀ ਨਾ ਚੋਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਬਦਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵਾਰ ਖਰਵਾਣੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰੋ आपने जो मुझे प्यार दिया है जो मुझे वोट किया है सपोर्ट किया है जो भावनाएं दी है इसको इसको मैं अपना पूरे गांव का चौमुखी विकास करके चुकाऊंगा ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। हम ज्यादा से ज्यादा पैसे ला करके ज्यादा ज्यादा विकास कराएंगे, जो पैसा आया हुआ है उसको लगाएंगे और लेके आएंगे और सारा विकास करेंगे, चौमुखी विकास होगा। ये पहली बार रहा है कि इस बार भी शपथ ग्रहण में पूर्व चेयरमैन भी आपके साथ, उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि वो भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों में भागीदारी। ये डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, ये अकेले सिंगल की जुड़ गई और डबल इंजन की सरकार बन गई और जनता का सहयोग मिलेगा, इससे ज्यादा क्या होना है। तो क्या मानते हैं कि इस बार जो पहले से ज्यादा तेज विकास होंगे? ज्यादा होंगे जब डबल मिल जाएंगे और तो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा ही, इसमें कोई संशय थोड़ी है कहने के। आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपकी जो है चार बार की कड़ी मेहनत के बाद 500 जो है सफल। ये जीत का श्रेय मेरे समाज को, मेरे सबरे बुजुर्गों को, मेरी महिलाओं को, मेरी छोटे छोटे बच्चों को और मेरे नौजवानों को, इस सबका श्रेय उनके लिए जाता है। उन्हीं की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं और उनकी भावनाओं की जीत। उनकी भावनाओं का किस तरह सम्मान करेंगे आप? मैं इतना सम्मान कराऊंगा ये आप सबको दिखाई दे जाएगा। जब तक मेरी सुन लो भावना को सम्मान तो मैं शुरू से ही करता आया हूँ और जीऊंगा जब तक करूंगा, चेयरमैन रहूं या ना रहूं। आज आपकी जो शपथ हो गई है, आपको नगर पंचायत के विकास करने का अधिकार मिल गया है, किस तरह से आप नगर पंचायत का विकास करेंगे, क्या कुछ सोच रखा है आपने? सोच बहुत कुछ रखा है, कहने से ज़्यादा करके दिखाऊंगी। आप साथ हैं हमेशा मेरे साथ, आप देखते रहिए और बोलते जाइए। चौमुखी विकास होगा चौमुखा का, जो एक्स चेयरमैन के बचे हुए कार्य हैं उन्हें मैं पूरा करूंगी और जो जनता आशीर्वाद देगी, बाकी जो उनके अधूरे हैं, कोई डिमांड है कुछ है, उसको हमेशा पूरा करूंगी। हर 24 घंटे हाजिर रहूंगी मैं उनकी सेवा में। शपथ ग्रहण में पूर्व चेयरमैन भी आपके साथ आ गए, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी आपके साथ विकास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आशीर्वाद 100% संतुष्ट हूँ मैं उनसे, हमेशा साथ दिया है उन्होंने मेरा, इलेक्शन टाइम में भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और आगे भी यही इच्छा रखती हूँ उनसे कि हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सर पर बनाए रखे। आप ये जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ये जीत का श्रेय सारी चौमुहा बस्ती की जनता को देना चाहती हूँ।